लाइफ में कभी किसी के भरोसे मत रहना, मम्मी पापा के अलावा, भाई बहन, पति, कोई फ्रेंड, किसी पे डिपेंडेंट मत होना, मतलब भरोसे मतलब किसी पे डिपेंडेंट मत होना। अपना काम अगर कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई सेवा करो जिसके जरिए तुम्हें केवल खाना पीना और कपड़े मिल सके। बाकी मरना तो सबने है ही, कोई यहीं रह के नहीं जाएगा, कोई अपने साथ महल लेके नहीं जाएगा, कोई अपने साथ करोड़ों लेके नहीं जाएगा, कोई अपने साथ अपनी फ्रेंड लिस्ट लेके नहीं जाएगा, ना ही कुछ ऐसा लेके जाएगा जो आप सोचते हो कि यहाँ से है और वहाँ भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आप सिर्फ अपने कर्म लेके जाओगे, और आपको पता है कर्म किसी के सही नहीं है। यहाँ पे सब मोह माया लोभ लालच झगड़ा फसाद ईर्ष्या द्वेष से सब भरे पड़े हैं, कोई नहीं बचा है। क्योंकि ये कर्म भूमि ही ऐसी है जहाँ आपको सारे पैतरे में जाकर देखकर अपने को परिपक्व बनाना है, तो वो है ही ऐसा। पर किसी पे डिपेंडेंट होगे वहाँ पे आप हार जाओगे, क्योंकि आपको इतना बड़ा धक्का लगेगा कि जो आपको भगवान से मिलने का मौका जो है, टिकट है, वो रुक जाएगा आपका। तो इसीलिए कहते हो किसी पे डिपेंडेंट बिल्कुल मत होना। मैं तो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट केवल खाने पीने के लिए और कपड़े लत्तों के लिए हूँ, बाकी जो मेरे कर्म हैं, मन के भाव जो है, वो मेरे हैं, मैं किसी से नहीं लेती। और हाँ, उनको ज़रूर बोलती हूँ जहाँ पर वो गलत है, उनको बोलती हूँ तुम यहाँ पर गलत हो, लड़ती ज़रूर हूँ, बहस बहुत करती हूँ। क्योंकि मन के भाव ही आपके मन स्थिति को बदलते हैं, आपके कर्म को बदलते हैं। और मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है कि उनके लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री भी बदल जाती है मन स्थिति बदलने से। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप तो लाइफ हिस्ट्री लाइफ साइकिल बदलना है तो अच्छे के लिए बदले। क्योंकि अगर आपको अब लास्ट में मरने के बाद अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छी जगह मिले, अपने कर्मों से अर्जित जगह मिले, तो आपको अपने अंदर मन को फोकस करना होगा कि आपका मन कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है जहाँ आप चाहते हैं। ध्यान रखिए, डिपेंडेंट तो बिल्कुल मत होना, वहाँ पर आपका लॉस होने वाला है, वो टेक्निक आपका लॉस करेगी। तो ध्यान रखिए इन बातों का।